और सरायकेला में सामाजिक संस्थान शनिदेव भक्त मंडली के अध्यक्ष देवव्रत घोष के खिलाफ मंडली के संस्थापक सदस्य और पूर्व अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडली के संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष रंजन प्रदीप ने सदर एसडीओ से मिलकर मंडली के क्रियाकलापों की निष्पक्ष जांच करने और प्रशासन की देखरेख में पारदर्शी चुनाव कराने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। तो पूर्व अध्यक्ष रंजन प्रदीप ने बताया कि शनिदेव भक्त मंडली की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, वर्तमान अध्यक्ष उस उद्देश्य से भटक कर निजी उद्देश्य की पूर्ति में लग गए हैं। पहले भी प्रतिवेदन दे चुके हैं प्रशासन के पास, आग्रह करने की एक संस्था है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं विगत 5-6 वर्षों से। श्री शनिदेव भक्त मंडली आदित्यपुर एक ट्रस्ट के रूप में काम कर रही है। ट्रस्ट है, हमारे साथ ट्रस्टी भी हैं अभी ट्रस्ट के, श्री गणेश विश्वकर्मा जी हैं, धीरेन्द्र प्रसाद जी भी हैं और हम लोग सदस्य हैं और भी बाकी लोग सदस्य हैं। काफ़ी दिनों से ट्रस्ट काम कर रही है, लेकिन अब इस ट्रस्ट में पैसे को ले जो मंथली कलेक्शन होता है, जो कार्रवाई होती है, वो सारे चीज़ों का कोई भी हिसाब किताब तरीके से नहीं दिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है और हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए सदस्यों को, हर सदस्यों को, चाहे वो 200 रुपये रुपये का कंट्रीब्यूशन करे, चाहे 5001 का करे। ये आज तक पिछले 2019 की ये संस्था है, रजिस्टर्ड हुई है, 2017 से स्थापित है, लेकिन बार बार इस चीज़ों को भटकाया जाता है, बोला जाता है हम ट्रस्ट का कोई भी हिसाब किताब नहीं देंगे इस ट्रस्ट के सेटलर द्वारा, कार्यकारिणी समिति द्वारा, और यहाँ तक कि ट्रस्टियों को भी इसका कोई अनुमान नहीं है। तो जब ट्रस्टी ही नहीं है ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट खुद ही अपने आप में गैर कानूनी संस्था हो जा रही है और अपने हिसाब से पैसा हर महीने तकरीबन अभी 1400 सदस्यों की संख्या है, चूँकि सारे चीज़ जो कि इस पर कोई चीज़ बताया जाता है आम मेम्बरों को, तो उसके लिए बार बार आग्रह किया जा रहा है। जो वन मैन ओरिएंटेड संस्था हो गई है, वन मैन ओरिएंटेड से मतलब कहने का है कि ना कुछ बताएंगे ना बात लिखेंगे, आप केवल सदस्य। संस्था का नाम है श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है।